नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव फोरम। मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से अपनी प्रोग्राम में बात करते हैं तुनिशा शर्मा केस की। देखिए, आपको याद होगा कि शिजान खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद शिजान खान के वकील ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हम इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में लेकर के जाएंगे, मगर अभी तक हाईकोर्ट में जमानत याचिका के दाखिल करने को लेकर के कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इस पर हो रही देरी भी कई सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी ओर क्या ये पूरा एंगल अब लव जिहाद की ओर मुड़ रहा है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के नेता का ऐसा बयान आना कि इस पूरे एंगल की, इस पूरे मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सवालात करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद है प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा आपका। जी अंकिता, सबसे पहले तो सवाल यही होगा प्रज्ञा की 17 जनवरी की डेट दी थी मीडिया में आकर के कहा था कि हम 17 जनवरी को हाईकोर्ट में शिजान खान की जमानत याचिका को दाखिल करेंगे, मगर 17 जनवरी बीत गई, आज 19 तारीख है, मगर आज भी शिजान खान की जमानत याचिका को दाखिल नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, या फिर कोई दूसरा सबूत या दूसरा कोई दाव खेलने जाने वाले हैं शिजान खान के वकील? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिजान खान को लेकर उनके वकील शैलेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वसई कोर्ट ने अगर शिजान खान की जमानत याचिका को रद्द किया है, उसके कुछ रीजंस हैं और उन रीजंस को वो पूरी तरह से अग्री भी करते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें कह सकते हैं कि मुख्य आरोपी के तौर पर इस वक्त शिजान खान ही है। आखिरी वक्त में तुनिशा के साथ शिजान थे, जिसकी वजह से कोर्ट इस वक्त शिजान खान को जमानत नहीं दे सकती और इसी के आधार पर इसे टाल दिया गया। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस दावे के साथ शिजान खान के वकील ने कहा था कि हमें पूरा भरोसा है, हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला शिजान के पक्ष में आएगा। अब अगर आपको वाकई में इतना ज्यादा भरोसा था, आपको पता है कि शिजान के लिए, शिजान को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत है, हर गवाह है, फिर आखिरकार क्यों देरी की जा रही है? या हो सकता है कि जो अली का एंगल 11 जनवरी को शिजान खान के वकील की ओर से पेशी के वक्त दिया गया था, शायद उससे रिलेटेड कोई सबूत हो सकते हैं जो अब शिजान खान के वकील यहां पर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस केस में जो भी अहम खुलासे हैं, अहम दावे हैं, वो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ पेशी में सुनवाई के बीच ही देखने को मिल रहे हैं। तो शायद यहाँ पर अब शिजान खान के वकील किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहते, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते होंगे कि शिजान खान को एक बार फिर से, कह सकते हैं, मायूसी जमानत को लेकर के देखनी पड़े। जी बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को प्रज्ञा, बीजेपी की ओर से लव जिहाद का एंगल देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आपको एक खबर बता दूं कि महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक अतुल का कहना है कि इस पूरे मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था तो तुनिशा के मामा ने भी ये बात कही थी। तो क्या इस पूरे मामले को एक लव जिहाद का एंगल देना, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में अब तक जितने भी कह सकते हैं सेलिब्रिटीज हैं, आम जनता का जो बयान सामने आया, जो प्रतिक्रिया सामने आई, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस केस को बेवजह लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि शिजान खान की अगर बात करें, उनका परिवार जिस तरीके से, उनकी एक पहचान बनी हुई है, जैसे उनकी इमेज है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसे हो सकते हैं। हालांकि हकीकत क्या है वो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन लव जिहाद को लेकर के जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीते कुछ दिनों में हर एक मामले को लव जिहाद से जोड़ा जाता है, चाहे श्रद्धा वालकर का केस हो, तुनिशा शर्मा का केस हो, हाल ही में अगर मैं बात करूं टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य, उनकी शादी को भी जिस तरह से लव जिहाद से जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है लव जिहाद, इसे बेवजह हर केस में जोड़ देना गलत होगा। हालांकि श्रद्धा वालकर के केस को लेकर के मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी कि लव जिहाद के एंगल से उसे जोड़ना गलत है या सही है, लेकिन तुनिशा शर्मा के केस में देखिए, तुनिशा ने जो अपने साथ ये कदम उठाया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जान दी है, उसमें कहीं भी ये नहीं लगता कि लव जिहाद वजह हो सकती है, क्योंकि
तो निशा का ब्रेकअप जिस तरीके से सामने आया, ब्रेकअप का रीजन यहाँ पर सामने आया, और फिर अब ये भी पता चल चुका है अंकिता कि शिजान से ब्रेकअप के बाद वो मूव ऑन कर चुकी थी किसी और के साथ, उनका रिश्ता था जैसे अली यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वाकई में लव जिहाद जैसी कोई चीज होती तो तुनिशा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ती ऐसा लगता है। अगर शिजान खान की बात करें, शिजान खान को लेकर कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस का ऐसा बयान सामने आया कि शिजान खान को लव जिहाद से जिस तरह से लगातार जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं ये बेवजह है। और अगर मैं बात करूं जिस तरह से लगातार कई नेता लव जिहाद को लेकर के इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो सरासर गलत है, क्योंकि और इसे लेकर के अगर मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर केस में जिस तरह से नेता बयान दे रहे हैं उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि हर जगह किस तरीके की चीजें कहनी है उन्हें कहने से पहले दो बार सोचे, क्योंकि वो तो बयान दे देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूरी पार्टी पर सवाल उठने लगता है जो पूरी तरह से गलत है। और लव जिहाद अगर शिजान खान और तुनिशा शर्मा के केस में इस वक्त जो सबूत सामने आए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि इस केस में लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रज्ञा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी एक्ट्रेस सोनिया सिंह का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने शादी को लेकर के बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तुनिशा शर्मा से शिजान खान ने शादी का वादा किया था, फिर उसके बाद समय बीता और शिजान खान तुनिशा से स्पेस की मांग करने लगे जो कि उनको तुनिशा दे भी रही थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शादी का वादा देकर के अब शिजान खान ने तुनिशा के साथ धोखा किया है? जो देखिए अगर यहाँ पर धोखे वाली बात को अगर समझने की कोशिश करें तो अगर वाकई में तुनिशा को शिजान ने धोखा दिया था तो इस चीज के बारे में उन्होंने बताया क्यों नहीं, और अगर वो वाकई में धोखे से इतनी ज्यादा परेशान थी तो महज 15 दिन में आप इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लेंगे? अगर आप खुद उस रिलेशनशिप को लेकर इतना सीरियस है, 15 दिनों में आप खुद मूव ऑन कर लेते हैं और जिस एक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप था आप उसी के साथ लंच कर रहे हैं, उसी के साथ बाहर आप जा रहे हैं। और दूसरी चीज के शिजान से जब तुनिशा का ब्रेकअप हुआ उसके बाद वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अली जिसका नाम यहाँ पर सामने आया जिसे लेकर खुद उनकी माँ भी कहती हुई नजर आ रही, तो अगर वाकई में तुनिशा शिजान से ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, तो फिर आखिरकार वो ट्रिप्स क्यों कर रही थी, क्यों वो डिनर डेट पे जा रही थी? तो इस वक्त ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कह सकते मैच नहीं हो रही है। जो बयान यहाँ पर सोनिया सिंह का सामने आया है, या फिर अगर मैं बात करूं जिस तरह से शान मिश्रा जो कि शिजान के काफी अच्छे दोस्त हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि दोनों मेच्योर थे और मेच्योरली दोनों ने ब्रेकअप किया और उसके बाद काफी मेच्योरिटी के साथ दोनों अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी प्रज्ञा की, इस पूरे केस में जमानत याचिका की बात कहूं तो तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से ये बयान सामने आया था कि आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर ली रखी है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है शिजान खान के खिलाफ। एक छोटी सी टिप्पणी कि इतनी कॉन्फिडेंशियली वो बात कर रहे हैं, सबूत नहीं है, आखिर किन मुद्दों पर अगर हाई कोर्ट में ये पूरा मामला जाता है तो किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है कोर्ट में? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है चाहे शिजान खान के वकील हो या तुनिशा के वकील, दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन उन दावों को प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। और अगर वाकई में हाई कोर्ट में भी बिना सबूतों के जाते हैं तो अंकिता वैसा ही हाल होगा जैसा वसई कोर्ट में हुआ, क्योंकि अगर शिजान खान की जमानत याचिका को रद्द किया गया, कोई फैसला नहीं सुनाया गया, उसके पीछे की साफ तौर पर एक ही वजह है कि इस केस में सबूतों की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर हाई कोर्ट में भी ऐसे ही वकील जाते हैं तो ऐसा ही फैसला हाई कोर्ट से भी आएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए अब देखना लाजमी होगा कि अब अगर जमानत याचिका दाखिल की जाती है हाई कोर्ट में तो क्या कुछ फैसला आएगा, शिजान खान के पक्ष में आता है या फिर शिजान खान के खिलाफ ये पूरा फैसला आता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।